मध्य प्रदेश की डेली ताजा खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में कोरोना कंट्रोल, 7 दिन में 43% घटे नए केस। जी हां दोस्तों, प्रदेश में संक्रमण दर 3% से नीचे आ गई है। नए केस का आंकड़ा लगातार कम हो रहा है। प्रदेश के 20,000 से ज्यादा पंचायतें कोरोना मुक्त हो गई है। 25 जिलों में 10 या इससे कम केस आए हैं। पिछले 7 दिन में पॉजिटिव केस 43% घट गए, लेकिन कोरोना से मरने वालों की संख्या करीब 3.3% बढ़ी है। कोरोना से अभी तक 7,891 मौतें हो चुकी है। जी हां दोस्तों, प्रदेश में 28 मई को 1854 नए संक्रमित मिले हैं। जी हां दोस्तों, प्रदेश में इंदौर, भोपाल और सागर ही ऐसे जिले हैं जहां 100 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं। इंदौर में 526, भोपाल में 389 व जबलपुर में 103 नए संक्रमित मिले हैं। जी हां दोस्तों, प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 34,322 हो गई है। मध्य प्रदेश के 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में बारिश के असर। जी हां दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती साइक्लोन यस का असर भले ही कम हो गया, लेकिन अरब सागर में नमी मिलने के कारण मध्य प्रदेश का मौसम लगातार बदल रहा है। पिछले 24 घंटों में मालवा के कई जिलों में बौछारें पड़ी और तेज हवाओं का दौर भी जारी रहा। इसी बीच शुक्रवार को मौसम विभाग ने 6 संभागों के 6 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने रीवा, सागर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन और होशंगाबाद संभागों के जिलों और नरसिंहपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, गुना और शिवपुरी में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। वही इंदौर, भोपाल, उज्जैन और होशंगाबाद संभागों के जिलों के साथ गुना और शिवपुरी में गरज चमक के साथ बिजली चमकने और गिरने के भी असर है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिना मास्क वाले को सामान मत देना, सभी सावधानियां बरतना। जी हां दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पद विक्रेताओं दुकानदारों से कहा कि वे किसी भी ग्राहक को जिसने मास्क नहीं लगाया सामान न दे। स्वयं अनिवार्य रूप से मास्क लगाए, दुकान पर साबुन और सैनिटाइजर रखे, ग्राहक भी दूरी रखकर ये सामान ले, दुकानदार दुकान के सामने गोले बनाए। जी हां दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रालय से सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के 6,10,000 ग्रामीण पद विक्रेताओं को प्रति हितग्राही 1,000 रुपए के मान से कुल 61 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। जी हां दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1 जून से धीरे धीरे काम धंधा चालू होगा, हमें अब दुकान भी चलाना है और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना भी है। पूरी सावधानी रखेंगे तो कोरोना फैलेगा नहीं और समाप्त हो जाएगा। जी हां दोस्तों, सीएम ने कहा कि वर्तमान में 4,10,000 ग्रामीण पद विक्रेताओं के प्रकरण बैंकों में सभी को सीधे 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज की प्रतिक्रिया, लगता है मानसिक संतुलन खो दिया। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लगता है कमलनाथ ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। उल्लेखनीय है कि आज सतना जिले के मेहर में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि भारत महान नहीं, भारत बदनाम है, सब देशों ने रोक लगाई है, भारत के लोग नहीं आ सकते। जी हां दोस्तों, सीएम शिवराज ने इस पर कहा कि सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, क्या आप कमलनाथ के बयान से सहमत हो? सत्ता जाने के बाद लगता है कमलनाथ ने मानसिक संतुलन खो दिया है। कमलनाथ ने इस धरती पर जन्म लिया और कह रहे कि भारत बदनाम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, क्या वे ऐसी कांग्रेस चाहते थे? जी हां दोस्तों, शिवराज ने कहा कि सोनिया गांधी को मौन तोड़ना पड़ेगा, आप साफ करें कमलनाथ गलत है, अगर गलत है तो उन्हें पार्टी से बाहर करो, या फिर आप कह दीजिए कि आप कमलनाथ के बयान से सहमत हैं। मध्य प्रदेश में लागू हुई ये योजना मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, कैबिनेट से मिली थी मंजूरी। जी हां दोस्तों, शिवराज कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिलने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू कर दी है। इस संबंध में राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत सेवायुक्त कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र 1 सदस्य को योजना में विहित प्रावधान के अनुसार उसी प्रकार के नियोजन में अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी जिससे मृतक सेवक नियोजित था। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा अनुसार राज्य शासन ने उसके नियोजन में कार्यरत समस्त नियमित स्थायी कर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतनभोगी, संविदा कलेक्टर दर, आउटसोर्स और मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक और सेवा युक्तों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू कर दी है। खाद के इंतजाम के लिए मार्ग फेड बनेगी नोडल एजेंसी। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच सरकार ने आगामी खरीफ और रबी सीजन के लिए खाद का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। खरीफ और रबी सीजन के लिए 8.25 लाख टन यूरिया की व्यवस्था की जाएगी। सोयाबीन, धान सहित अन्य फसलों के लिए 4 लाख टन यूरिया की व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने राज्य सहकारी विपणन संघ मार्ग फेड को नोडल एजेंसी बनाने का निर्णय लिया है।
जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2023-24 तक प्रति वर्ष खाद के इंतजाम के लिए मर्गफेड को 600 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी भी मिलेगी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खाद के अग्रिम भंडारण की योजना पहले की तरह चलती रहेगी। इसके लिए सहकारी समितियों में जरूरत के हिसाब से खाद का भंडारण किया जाएगा। किसान अपनी सुविधा से इस खाद को पात्रता अनुसार ले जा सकेंगे, ताकि सीजन पर खाद को लेकर मारामारी स्थिति न बने। वर्ष 2021-22 की खरीफ फसलों के लिए बोमनी में लगने वाला DAP 4 लाख टन लिया जाएगा। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स 1 लाख टन और 40,000 टन पोटास की व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह रबी सीजन के लिए 4.5 लाख टन यूरिया का अग्रिम भंडारण किया जाएगा। कर्मचारियों के पेंशन में अब 14% अंशदान देगी मध्य प्रदेश सरकार। जी हां दोस्तों, प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन योजना के 4,49,000 कर्मचारियों के पेंशन में सरकार अब 14% अंशदान देगी। अभी तक कर्मचारी और सरकार का अंशदान 10% था। 1 अप्रैल 2021 सरकार ने अपना अंशदान 4% बढ़ाने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग ने शुक्रवार को इसे लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, प्रदेश में 1 जनवरी 2005 के भर्ती हुए अधिकारियों कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई है। इसमें कर्मचारियों को वेतन भत्ते में 10% राशि काटकर जमा की जाती है, तो शासन भी उतनी ही राशि मिलाता है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपना अंशदान 4% बढ़ाकर 14% कर दिया है। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, अब MP रोजगार पोर्टल पर मिलेगी ये जानकारी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है, अब ऑनलाइन जॉब फेयर के लिए MP रोजगार पोर्टल पर सूचना मिलेगी। वर्तमान हालातों को देखते हुए मध्य प्रदेश के रोजगार संचालनालय के MP रोजगार पोर्टल ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का फैसला किया है, जिसके माध्यम से अब आवेदक अपने घर से ही काउंसलिंग प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन साक्षात्कार भी दे सकते हैं। CM शिवराज बोले, शादियां टालनी पड़ेगी, राजनीतिक और सामाजिक आयोजन बंद। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीहोर में आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि परिवार की शादियां टालनी पड़ेगी, धार्मिक राजनीतिक और सामाजिक आयोजन बंद ही रखने पड़ेंगे। हर एक प्रकार की सावधानी हमें रखना है, अकेले में सावधान नहीं रह सकता। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ये काम देखेंगे, इसके अलावा भी अनेक कार्य ये ग्रुप देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, CM शिवराज ने कहा कि आयोजन नहीं होंगे, विवाह कम से कम लोगों के साथ होंगे। मैंने अपने परिवार में भी विवाह टाले हैं, अनुशासित रहना है, मास्क पहनना है, दूरी रखना है, सारे नियमों का पालन करना है, तभी हम इसे नियंत्रण में रख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वही रायसेन की बैठक में CM शिवराज ने कहा है कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ही वो ताकत है जो गाँव वार्ड में कोरोना को हराएंगे। जी हाँ दोस्तों, CM शिवराज ने कहा कि कोविड केयर सेंटर चालू रहेंगे, प्रशासन प्रयास करेगी जो संक्रमित है वो कोविड केयर सेंटर में रहे और अपने परिवारों को सुरक्षित रखे, व्यवस्था धीरे धीरे खोली जाएगी। MP बोर्ड 12वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए तारीख तय। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 12वीं हायर सेकेंडरी कक्षा की वार्षिक परीक्षा की तारीख तय कर दी गई है। टाइम टेबल जून महीने के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन बोर्ड के सूत्रों ने यह बताया है कि परीक्षा का आयोजन जुलाई के महीने में होगा। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग के सूत्रों के कहना है कि स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने और बोर्ड के अधिकारियों के बीच 12वीं की वार्षिक परीक्षा को लेकर मीटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसी भी स्थिति में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन नहीं देना चाहते। माना जा रहा है कि MP बोर्ड के अधिकारियों ने टाइम टेबल फाइनल कर दिया है, लेकिन CBSE के टाइम टेबल का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोनों बोर्ड की परीक्षा लगभग एक साथ में खत्म करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों तुलना में तैयारी के लिए कम समय नहीं मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन परीक्षा की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग के पास संसाधन ही नहीं। ये जरूर हो सकता है केवल प्रमुख विषयों की परीक्षाओं का आयोजन किया जाए, ये भी हो सकता है कि परीक्षा की अवधि 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे कर दी जाए, प्रश्नों की संख्या कम कर दी जा सकती है, या फिर प्रश्नों को संक्षिप्त किया जा सकता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।